दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं Redmi 8, इस मोबाइल में MI अकाउंट लगा हुआ है और ये किसी कस्टमर का है, ठीक है। और आप अनलॉक कर सकते हैं Redmi 8, लेकिन मैं आपको बता दूं कंडीशन है इसमें कि अगर बाहर कंट्री का मोबाइल है, ठीक है, जैसे सऊदी अरब में खरीदे हैं या कहीं और खरीदे हैं, उस मोबाइल को अगर यहाँ पे MI अकाउंट अनलॉक करेंगे अनलॉक नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप मोबाइल लोन पर लिया हुआ है, लोन पर लिया हुआ मोबाइल अगर किस्त बाकी है तो मोबाइल भी अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। इंडिया में जो भी मोबाइल है MI का ऑनलाइन वाले सेट, वो सभी अनलॉक आप कर सकते हैं UMT से, ठीक है। सबसे पहले आप टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करना होगा, आपको मोबाइल का ढक्कन उतारना होगा, ठीक है। यहाँ टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करेंगे, केबल लगाएंगे, ईडियल मोड आएगा। ईडियल मोड जब आपके मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है, आपके कंप्यूटर में जब ईडियल पोर्ट शो करेगा, उसके बाद इस मोबाइल को आप अनलॉक कर सकते हैं UMT QCFire से। सबसे पहले आपको QCFire टूल ओपन करना है। दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं कि कई लोग बोल रहा था कि कमेंट में कि जो है मोबाइल अनलॉक हो जाता है, उसके बाद फिर जो है सक्सेस दिखाता है UMT QCFire टूल में, और जब वापस मोबाइल को जब हम लोग वाईफाई देते हैं तो फिर वापस लॉक हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वो जो मोबाइल होता है वो मोबाइल या तो आपका लोन वाला मोबाइल है या किस्त बाकी है उस मोबाइल का, या तो वो मोबाइल बाहर कंट्री का है, इंडिया का नहीं है, ठीक है। ऐसा इस तरह का अगर मोबाइल रहेगा तो वो आपका अनलॉक यहाँ पर दिखाएगा सक्सेस UMT QCFire में, और फिर वापस जो है वाईफाई देने पर फिर से लॉग हो जाएगा, ठीक है। जो इंडिया कंट्री का मोबाइल होगा, सिर्फ इंडिया कंट्री का ही मोबाइल आप अनलॉक कर सकते हैं UMT QCFire से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ईडियल मोड चेक करना है। ईडियल मोड जब आपका आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे MI अकाउंट अनलॉक करने के लिए रीड एंड टूल पे क्लिक करना है, Xiaomi स्पेशल पे क्लिक करना है और रिसेट MI अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पे कि MI अकाउंट भी अनलॉक करके Redmi 8 का, ठीक है, MI अकाउंट अनलॉक करके भी दिखाऊंगा आपको, और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल अकाउंट भी अनलॉक करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो MI अकाउंट जो है वो अनलॉक हो चुका है, और इसी वीडियो में मैं आपको भी दिखाने वाला हूं दोबारा फिर से कि गूगल अकाउंट कैसे आपको रिमूव करना है, ठीक है। चलिए फिर से हमने मोबाइल को ईडियल मोड में लगाया, फिर से QCFire टूल मैंने ओपन किया, रीड एंड टूल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रीसेट FRP का, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। यस नो का ऑप्शन है, यस कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपका गूगल अकाउंट जो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मोबाइल इंडिया कंट्री का है, किसी भी कस्टमर का मोबाइल है, अगर इंडिया में खरीदा है वो, ठीक है, उसका मोबाइल अगर लोन पर लिया हुआ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन है, तो आप अनलॉक कर सकेंगे, अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अगर उसका मोबाइल लोन पर लिया हुआ है या उसका मोबाइल बाहर कंट्री से आया हुआ है, तो वो मोबाइल आपका यहाँ पे अनलॉक इसी तरह से सक्सेस दिखाएगा, कंप्लीट सक्सेस दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे वो मोबाइल में वाईफाई देगा या सिम लगाएगा, ऑटोमेटिकली उसका डिवाइस जो है फिर से लॉक हो जाएगा। इस तरह से अगर इस तरह का केस आता है आपके पास, तो इसमें एक ऑप्शन भी है री अनलॉक का, अगर वहां से अगर ट्राई करेंगे तो हो सकता है वहां से भी अनलॉक हो जाए, लेकिन ज्यादातर होता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो किसी का